कस्टमर का जो फोन है ना वो आ चुका है और तुम्हारा ऋषि भाई बाहर से अंदर की तरफ जा चुका है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह ब्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तारीख है आज अपनी 1 सितंबर 2023 और समय हो रहा है दोस्तों सुबह के ना 9:53, 10 बजने जा रहे हैं। मैं घर से निकल चुका हूं, गैस अभी फुल नहीं है और उन 9 में होंगे। पता है दोस्तों आज हमारे भाई ने ना सिस्टम बैठा दिया। बात क्या है कि लखनऊ से तो अपनी एक राइड लगी है कानपुर की प्राइवेट, ठीक है, जो कि हर दूसरे चौथे पांचवें दिन लगी रहती है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन नया पता है आज क्या है? नया आज ये है कि भाई यहाँ से तो मेरे पास कोई राइड थी नहीं भाई, यहाँ से सवारी हमारी भर के जाना पड़ता। लेकिन हमने पता है क्या किया है भाई, अल्लाह बहुत तगड़ा काम किया है कि हमने ये है कि पापा की आईडी अपने फोन पे खोल ली, ठीक है, ऊबर की, और ऊबर से ना आ गई है राइड। अब हम जा रहे हैं कस्टमर को लेने, वो भी ऊबर से, वो भी पापा की आईडी से, ठीक है। तो अब जाके उनको समझाएंगे कि सर वो गाड़ी में दिक्कत है, ये है वो है, इसी से चल दो। अगर वो मान जाते हैं तो भाई अपनी ये वाली राइड हो जाएगी फिक्स, ठीक है, और ये वाली राइड हो जाएगी फिक्स। तो आप ये मान लो कि वहां से तो लेके आना ही है, यहाँ का अपना सिस्टम टाइट हो जाएगा, समझ रहे हो, तो बचत बढ़िया निकल आएगी। तो चलते हैं सीधा, है ना, और देखते हैं चल के क्या होता है। वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, और नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास का पिकअप है मेरा, तो फिर वेट करेंगे, फिर किसी को समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है वहां पहुंच के फिर मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या है, मतलब आपका वो माने कि नहीं माने, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं आप, मैं पहुंच चुका हूं अमौसी एयरपोर्ट और ये है सामने झोपड़ी जहां 90 रुपए लग जाते हैं भाई अगर आप थोड़ा सा भी लेट वेट हो गए तो। चलो इसको पर्ची दे दें, उसके बाद निकलते हैं बाहर। सो गाइस समय को खराब ना करते हुए मैंने 90 रुपए बचा लिए और मैं निकल आया हूं एयरपोर्ट के बाहर। और दोस्तों देख सकते हैं आप सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपका लखनऊ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ढेर सारा पैसा दिया है क्योंकि भाई हट ही नहीं रहा, पिछले 4-5-6 महीने से हम इसको देख रहे हैं, ये स्वागत ही करता है सबका भाई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत पैसा है लग रहा है इसके पास। तो मैं बताऊं आपको भाई, मतलब यार आप लोग मानोगे नहीं, और लेकिन मानो, आप मानो, ये बात सच है क्योंकि अपनी बात सबूत के साथ होती है, आपको तो पता ही है, ठीक है। ओला का बिल जितना अच्छा होता है, उबर का बिल उतना निहायत ही खराब आया है भाई, पता नहीं मतलब क्या करना चाह रही है भाई। आप समझो कि इस समय जैसे मिनी की राइड थी ये वाली, ठीक है, उबर की, और ओला की भी मिनी की राइड होती है, चूंकि आप ओला का जो मिनी राइड का बिल होता है ना वो आप लोगों ने कई बार देखा है, हमने दिखाया है। इस टाइम मिनी राइड का बिल लगभग आता है 1700-1800 रुपए के आसपास, 1800 के आसपास आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर जो हम लोगों को ऑपरेटर बिल मिलता है वो अप्रोक्स 1250-1300 मिलता है ना, ये आपको याद होगा। पिछले अगर नहीं भी याद है तो आप मेरे 3-4 दिन पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं, तो उसमें किसी ना किसी वीडियो में तो आपको लखनऊ का अपडाउन मिल जाएगा, तो आपको बिल उससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि मैं जो है बिल सही बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम लोग आते हैं ऊबर के बिल में, ठीक है। तो ऊबर का बिल भाई साहब क्या ही बताए, रुकिए हमको देखना पड़ेगा, रुकिए हम देख ही लेते हैं, ठीक है। मतलब यार गाड़ी भी चला रहे हैं थोड़ा सा। हाँ भाई साहब, 1023 रुपए का बिल आया है उबर का, ठीक है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और उस 1023 रुपए के उबर के बिल में ना कमीशन भी कटे है, तो हम लोगों को टोटल ऑपरेटर मिला है 940 रुपए का भाई साहब, समझ रहे हैं, मतलब 1023 रुपए के बिल में भी भाई उबर ने माइनस काटा है। वहीं ओला का जो बिल आता है मिनी का वो कितना आता है, 1700-1800 रुपए, और हम लोगों को मिलता है अप्रोक्स 1250-1300 के आसपास, ठीक है, और इसमें भाई 940 मिला। लेकिन यार अपनी तो यहाँ से एक राइड लगी हुई है तो इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आप ये देखो कि ओला और उबर के बिल में कितना ज्यादा मतलब डिफरेंस है, तो आप खुद सोचोगे कि नहीं यार भाई डिफरेंस तो है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है यार, कहाँ मतलब 1350 कहाँ लगभग 940, मतलब 950 के आसपास, 910-1100-1213 लगभग 300-400 रुपए का अंतर आया भाई ओला और उबर के बिल में, ठीक है। तो अभी ना डिवाइस यार मैंने ऑफ कर दी है उबर वाली पापा की जो थी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं चलानी है यार, यहाँ से तो राइड लगी है ना ब्रो। और अभी ना टाइम की बात करें अगर, तो 12 बजने जा रहा है, ठीक है, और जो कस्टमर है मेरे जिनको हमको यहाँ से लेना है तो उनकी फ्लाइट आएगी अप्रोक्स 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे के आसपास आएगी। तो भाई अब कुछ नहीं करना है, वहीं पे अपने उस जगह पे बढ़िया चलना है और वहां पे ना 2 घंटे इंतजार करना है उनके फोन का, और जैसे ही उनका कॉल आएगा
उनको लेंगे यहाँ से और दबदबाते हुए ना बढ़िया चल चलेंगे सीधा हम लोग कानपुर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा बाहर और वहां पे ना फिर वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यार समय नहीं कट रहा भाई, पता है बैठे बैठे कितना 1:30 बज गया है भाई, मतलब 1.5 घंटा काट लिया, अभी 1 घंटे के आसपास और भी काटना है। ठीक है, और भाई गर्मी ना जो बिगड़ है भाई साफ समझ में नहीं आ रहा करा क्या जाए। एसी भी यार मतलब कितना ही चला सकते हैं यार, मतलब चला ले रहे हैं 2-4-10 मिनट में जो है, ये एसी बार बार चलाने के चक्कर में पता है किसी भी राइड में गैस ज्यादा लग जाती है। अब यहाँ हम लखनऊ है, बहुत ज्यादा गैस लगी मेरी 600 रुपए, क्योंकि 84 किलोमीटर है, घर के पास में अशोक नगर है, वहीं से लिया भी था कस्टमर को जो हमने एयरपोर्ट से जो कस्टमर को लेंगे उनको भी गली के सामने छोड़ना है। ठीक है, तो वैसे गैस नहीं लगती है, लेकिन ये बार बार चलाने के चक्कर में ना भाई 600 का 700 हो जाता है, समझ रहे हो आप लोग, तो ये चीज है। तो वेट ही कर रहे हैं यार, अभी 1:30 बजे है यार, अभी 1 घंटा और करना है, तो बस करते हैं फिर, कस्टमर का यार कॉल है, जल्दी से घर चला जाए। घर यार चल के ना गाड़ी खड़ी करके जो है फिर यार घूमेंगे फिरेंगे यार, अब काम नहीं करेंगे इसके बाद, है ना ब्रो, क्योंकि काम अच्छा हो जाएगा मेरा खाली इन्हीं दोनों बुकिंग में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा चैनल पे आगे की अपडेट जानने के लिए, और देखते हैं हम लोगों का कितना पैसा आज बच जाएगा टोटल। ठीक है, सो गाइस एक बार फिर से ना मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट की सीमा के अंतर्गत क्या बोलते हैं, सीमा के अंतराल में यार गलत बोल रहे क्या, छोड़िए खैर। तो दोस्तों एक बार ना मैं फिर से पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट के समीप और मैं जा रहा हूँ कस्टमर को लेने, बिकॉज कस्टमर का जो फोन है ना वो आ चुका है और तुम्हारा ऋषि भाई बाहर से अंदर की तरफ जा चुका है। तो अभी ना दोस्तों करना क्या है, कस्टमर को लेना है, कानपुर लेके जाना है, ढेर सारा पैसा कमाना है और उसके बाद जो है घर पे जाके पैसा उड़ाना है, क्योंकि इतना सारा पैसा लेके कहाँ जाएगा भाई। सीधा कस्टमर को लेते हैं और उसके बाद जो है ये वाली राइड कंप्लीट करते हैं, लेकिन समय ना दोस्तों मैं बता दूं आपको बहुत ज्यादा हो चुका है, 2:30 बजे का पिकअप था लेकिन बस चुके हैं लगभग 3:41, मतलब के 4:15 बजने जा रहा है, मतलब 1:15 लेट है कस्टमर अपने दिए हुए निर्धारित समय से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा अंदर। फाइनली ना मैं पहुंच चुका हूं घर, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया भी था, जो कस्टमर थे ना वो घर के पास के ही थे, याद होगा आपको अभी कुछ दिन पहले ही 1 हफ्ता हुआ होगा, घर के सामने वाली गली के जो कस्टमर थे ना वही थे भाई आज भी। ठीक है, तो इसकी वजह से यार घर जाने में मुश्किल से 1 मिनट लगा यार, उस गली से इस गली आ गए घर आ गए भाई अपन, है ना। और भाई आप लोग ये भी जानते हैं कि जो अपनी प्राइवेट राइड है ये 1800 रुपए की थी। ठीक है, तो अपना यार आज का काम अगर हम लोग देखें ना तो 1800 रुपए की ये वाली राइड, ठीक है, और 940 की वो वाली राइड, तो कितना हो गया, लगभग 2740 रुपए। ठीक है, 2740 ही हुआ यार, और 2740 में ना अगर हम लोग गैस की बात करें ना तो 700 रुपए आप मोटा मोटा उड़ा दो, बचा 2040, और 2040 में दोस्तों जाने का जो टोल था 90 रुपए का, वो तो हमने कस्टमर से ही ले लिया था, जो उबर वाले कस्टमर थे। ठीक है, आने का जो अब 40-50 रुपए लगता है ना वो अपनी जेब से लगाया है, तो वो अगर आप हटा भी दोगे ना 50 रुपए, तो भी यार अपना 1990 लगभग 2000 रुपए अपना बच गया है आज का, जिसमें भाई कोई भी 3-5 नहीं हुई है, सुकून से भाई उबर की राइड उठा के लेके गए और उसके बाद जो है अपनी प्राइवेट वाली राइड लेके सीधा कानपुर चले आए। ठीक है, मतलब सीधा सीधा अपना 2000 रुपए का काम हो गया है और टाइम भी भाई बहुत ज्यादा नहीं लगा, 5:30 बजे है और 5:30 बजे ना भाई अपन घर आ गए आज। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि भाई मेरा ना आज बहुत ज्यादा चलाने का मन था भी नहीं, तो ये राइड आने से ना भाई अपना आज का ज्यादा मतलब पद्दी नहीं हुई, इधर उधर फर्जी में भागना नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और बहुत ही जल्दी जो है अपनी अर्निंग हो गई। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा घर, क्योंकि घर के सामने ही बैठे हुए हैं अपन। ठीक है, तो बढ़िया घर चलते हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। बाकी दोस्तों चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे और देखते रहे ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।